Oh, what's your name? My name is Kara. Kara, भीड़ देख रहे हो मेरे पीछे? ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई घनी आबादी देश वाली जगह में आ चुके हो। बहुत सारी पब्लिक अंदर ना आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है। इनफैक्ट मी, हाँ, थैंक यू, यू टेक दिस, यू वेलकम। ओह, थैंक यू, कैन यू टेक दिस? ओके ओके, चलो। डू यू हैव अ वाइफ? या। हाउ मेनी वाइफ यू हैव? वन। हाउ मेनी वाइफ? दिस इज इंडियन स्नैक, ओके, वेरी फेमस। या वेरी फेमस इंडियन स्नैक। अभी आप इतना मेरे लिए कर रहे हो तो मैं भी, तो हम इंडियंस तो ऐसा थोड़ी ना ले लेते सबसे, है ना, हम देने का भी भाव रखते, वही बात है। दूसरे देशों के तुलना में चाइना वैसे ठीक ठाक ही है रेट्स के मामले में। फॉर एग्जांपल, पानी की बॉटल ले लो, ये 555 ml की बॉटल होती है यहाँ पे, मतलब 500 ml या 750 ml या 1 liter नहीं, 550 ml, इससे भी बड़ी होती है, लेकिन ये 555 ml की, इसका रेट है 2 yuan, मतलब इंडियन करेंसी में 24 rupees हो गया। ऑल दो इंडिया से डबल प्राइस हो गया, लेकिन फिर भी दूसरे देशों, जैसे कि अभी हांगकॉन्ग से आया था रिसेंटली, हांगकॉन्ग में भाई 9 Hong Kong dollar, 10 Hong Kong dollar, ये सब रेट्स होते थे, 90 rupees, 100 rupees, वही बात है। तो उससे तो ये कॉम्पिटिटिव रेट्स है चाइना में। एनीवेज, हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में चाइना सीरीज के। जैसे आप सभी को पता है, इस वक्त मैं हूँ शेंजन सिटी में, जो कि वन ऑफ द हाईटेक सिटी है पूरी वर्ल्ड की। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में बीच। जी हाँ, शेंजन में एक बीच भी है, दमेशा बीच, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। पार्टली हम मेट्रो से सफर तय करेंगे, और पार्टली उसके बाद या तो बस मिल गई या फिर पता चला टैक्सी लेना पड़े। अवॉइड करेंगे टैक्सी लेना, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस वक्त हम आ चुके हैं गांजिया अपने नजदीकी मेट्रो स्टेशन में। यहाँ से हम आधा सफर तय कर लेते पहले मेट्रो से, है ना। यहाँ पे मेट्रो में ना ये पानी की बोतलें भी ऐसे चेक करते हैं, बताओ, चाहे फ्रूट जूस हो, के कुछ भी हो, दूध हो, कोई भी लिक्विड आइटम हो ना, ऐसे चेकिंग होती है। मेट्रो राइड टोटल 40 मिनट्स की थी, जिसका किराया था 5 yuan, यानी कि 60 rupees के आसपास। सफर के दौरान मैंने जैसे ही गूगल मैप्स खोला ना, तो खुद की लोकेशन मैंने हांगकांग में पाई। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, देख लो आप, ट्रेन चाइना से हांगकांग, फिर वापस हांगकांग से चाइना की तरफ जा रही थी एज पर गूगल मैप्स, जो कि यहाँ चलता नहीं है बराबर। एनीवेज, हमारा स्टॉप आने ही वाला था, जहाँ से हम बस पकड़ के जाने वाले थे दमेशा बीच। What's thank your you. name? Thank you, thank you. DDP. DDP? You going Damesha, right? Yes, yes. अच्छा, perfect. ये मोहतरमा मिल गई, तो इन्होंने कहा कि मैं सेल्फी ले सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा कि दमेशा कैसे जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम भी उस तरफ ही जा रहे बस पकड़ के। मैंने कहा कि ये तो और अच्छी बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगेन लेट्स गो टुगेदर बस। हाँ, अच्छा, हाँ यार, ये देखो बीच प्रोडक्ट्स भी है। इनफैक्ट यहाँ पे सब लोग यहाँ से बीच ही जा रहे मेरे हिसाब से। वाह वाह वाह, क्या जगह है, एकदम रेसिडेंशियल इलाका है और शहर से थोड़ा सा बाहर है, फिर भी देख लो कितना साफ सुथरा और मस्त लग रहा है ना। ये हम उतर गए दमेशा बीच के बस स्टॉप पे, और ओए होए क्या रास्ते थे, मतलब 20 मिनट लगाया बस ने, लेकिन रास्तों की अगर बात करूँ तो ग्रीनरी ग्रीनरी, पहाड़ और बहुत सारे कंटेनर्स, बिकॉज शेंजन इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ चाइना, और चाइना इज़ वन ऑफ द नहीं, सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, अप्रेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, वही बात है, जिसकी वजह से इतने सारे कंटेनर्स ना, इतना मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना भी बड़ी बात है, सच कह रहा हूँ। तभी तो चाइना का जीडीपी इंडिया से 5 गुना, मतलब पर कैपिटा इनकम जो एक इंसान का है ना, वो इंडियन से 5 गुना ज़्यादा है, और 0.03% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
आज से 30 साल पहले 65% लोग या 64% लोग चाइना के गरीबी जो रेखा रहती है ना, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो बनाते हैं, उसके नीचे हुआ करते थे। लेकिन जो ये 30 साल में बूस्टअप हो गया ना चाइना, जिसकी वजह से आज की तारीख में ना के बराबर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है। Do you want to eat lotion? I'm vegetarian. जो मोहतरमा है जो अंदर खाना खा रही है, उन्होंने कहा कि आप भी खाएंगे हमारे साथ, लुफियाना के कुछ ऐसा नाम था, मेरे को नहीं पता वो वेज है कि नॉन वेज है। मैंने सीधा मना कर दिया, अपन रिस्क नहीं ले सकते और इधर क्या ही वेज मिलेगा, वही बात है 10-10 युआन का कुछ तो है। एनीवेज मैंने कहा कि आप खा लो, मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ बाहर, है ना। ये देखो यहाँ पे बीच से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। 25 युआन, 30 युआन की चड्डिया है ना, 250-300 रुपये की चड्डिया है। आई नो आई हैव, अरे आई हैव अरे आई हैव, दिस इज इंडियन स्नैक, ओके, वेरी फेमस, या वेरी फेमस इंडियन स्नैक। अभी आप इतना मेरे लिए कर रहे हो तो मैं भी, तो हम इंडियंस तो ऐसा थोड़ी ना ले लेते सबसे, है ना, हम देने का भी भाव रखते, वही बात है। गुड, ये हम पहुंच गए दमेशा बीच। और मेरे को पहले शुरुआत में ऐसा लगा कि अरे भैया ये लोग क्या चार्ज लेते क्या बीच में जाने के लिए भी, बिकॉज ऐसा सब बैरियर लगे। फिर पता चला कि यहाँ पे हर जगह बारकोड सिस्टम है, आपको बारकोड से स्कैन करके टाइम स्लॉट बुक करना पड़ता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है, जैसे कि मोहतरमा कर रही है। कैन यू जस्ट स्कैन दी QR कोड एंड मेक एन अपॉइंटमेंट मी ऑल्सो, मतलब हर एक को अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा, लेट्स गो। हाँ परफेक्ट, लो कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि आपका भी आप कर लो फ़ोन में स्कैन में, बोला कौन करेगा ये सब स्कैन वैन, आप ही कर लो या फिर चलो स्टाफ को ऐसे ही बोल देते टूरिस्ट करके। अभी हम लोग ऐसे ही गए, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे वॉशरूम्स है, रेस्ट रूम्स है, लॉकर फैसिलिटीज है, मतलब बहुत कुछ है। पब्लिक के ऐसा लगता है ना कि पैसा देकर अपन जाते हैं किधर भी, कोई पार्क में वगैरह, वैसा ही सिस्टम है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, आई मीन पब्लिक बीच पे ये सब सुविधा है। ये रहा फाइनली बीच, और सच कह रहा हूँ, ओए होए क्या व्यू है, मतलब ब्लू ब्लू स्काई, नीचे समंदर, वहाँ पहाड़, है ना, खूबसूरती खूबसूरती है। उस तरफ देखो तो आपको पहाड़ पे कुछ घर या प्रॉपर्टीज दिखेंगी, इस तरफ भी कुछ और दिखेगा। वाह 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 वाह, यहाँ पे जूते चप्पल रखने की भी सुविधा है, और साफ साफ लिखा गया है दिस रीजन इज मॉनिटर्ड विद सर्वेलेंस कैमरास, प्लीज डू नॉट टेक अवे अदर शूज। बहुत खूब, रख दो, खाली नहीं है, एक है ना खाली, हाँ टेक दो उसमें, दोनों के आ जाएंगे। चलो बैग इन्होंने कहा कि रख सकते हो आप हमारे मैट में, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये क्या है, अरे ये क्या सीन है भाई, भीड़ देख रहे हो मेरे पीछे, ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई घनी आबादी देश वाली जगह में आ चुके हो, बहुत सारी पब्लिक अंदर ना आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है इनफैक्ट। और अगर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे होती है जो गोवा वगैरह में होता है ना, वो सारी चीज़ें होती है। हालांकि अगर रेट की बात करूँ तो लगभग वही सब रेट्स है जो हमारे इंडिया गोवा में है, लेकिन फ़र्क आप देख सकते हो जगह का और पानी का, मेरे हिसाब से पानी भी गोवा जैसे कोई इतना कोई साफ नहीं है। बेसिकली ये जो समंदर का पानी है ये साउथ चाइना सी का है, आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते होंगे कि चाइनीज ने डाल दिए शिप वगैरह, नेवी वगैरह डाल दी ताइवान को या फिर इसको तंग करने के लिए, तो ये वही है साउथ चाइना सी, जो सीधा सीधा जाओगे ना फिलीपींस की तरह निकल जाओगे, मतलब फिलीपींस के आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं भैया। साउथ चाइना सी, ओके, नॉर्थ चाइना सी, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी के साथ खेलना है। इन दोनों मोहतरमा जिन्होंने मेरी मदद करी यहाँ पहुँचने में, उनको मैंने अलविदा कहकर निकल पड़ा आगे की तरफ, आई मीन बीच के उस पार, जहाँ पे मुझे और खूबसूरत चीज़ें दिख रही थी। मैंने सोचा दूर से ही क्यों देखूँ, नज़दीक जाके वो भी अनुभव कर लेंगे। What's your name? My name is Kara. Kara? Yes. You from Shenzhen? Yes. Ah, okay. So, where are you from?
आई एम फ्रॉम इंडिया, यू नो मुंबई, मुंबई मुंबई सिटी, या इंडिया इंडिया. आई एम नॉट फ्रॉम मलेशिया, आई एम फ्रॉम इंडिया. मलेशियन लिखता हो क्या? क्योंकि मलेशिया में बहुत साउथ इंडियंस रहते हैं इसलिए. व्हाट्स दैट प्लेस? वाओ, क्या मस्त जगह है यार. ब्रिज भी है. ये क्या बनाया है इन्होंने रेत के ढगलों से? कुछ तो बनाया है. ऊपर कुछ बंदे बैठे भी है, बच्चों के लिए होगा कुछ खेलने के लिए. और इस तरफ और उस तरफ बहुत शानदार रेत से, और हो सकता है कि थोड़ा हार्ड मटेरियल यूज करके कुछ बनाया हो, है ना. ये बनाया क्या है वो पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत शानदार लग रहा है. कलर भी अलग है और बड़े बड़े है, तो रात में भी मेरे हिसाब से कुछ तो लाइटिंग है वाइटिंग होगी कहीं तो, जिससे चमकेगा. एनीवेज इस तरफ आए हैं हम बीच के, मतलब उस तरफ से इस तरफ आए हैं, तो उधर भी वॉशरूम्स वगैरह थे और यहाँ पे भी है चेंजिंग रूम, वॉशरूम, छोटा सा शॉपिंग मॉल, लॉकर फैसिलिटीज़, चप्पल रखने की फैसिलिटीज़, मतलब दोनों तरफ है. ऐसा कुछ कुछ जगह रहती है ना, जितना आप घूमते हो आपको मज़ा आता है. बस ये वो उन जगहों में से है जो मैं घूम रहा हूँ और मेरे को मज़ा आते जा रहा है, सच कह रहा हूँ. व्यूज़ देखने में या फिर कुछ भी हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस मज़ेदार है. अभी अपन क्या करते हैं, नारियल पानी पी लेते. अजी वो नहीं, ये और ये मिला के. वो गोविंदा है ना भागम भाग में, सब पूरा पेटी तैयार करके लाता है, बस उसी से तो सीखा हूँ. I am from India. Hindu? Hindu. Hindu. Me? Thank you. You take this? You're welcome. Oh, thank you. Can you take this? Okay, okay. Chalo. Open ya. Help, push you. Okay, okay. Push you. Yeah. Yeah. Oh, yeah. So good. Thank you for the lovely video and thank you for pushing me. Thank you so much. Shishe. My name is Tamfam. Tamfam. Aha. You from Shenzhen? No. Then? Hunan. Hunan Changsha. Changsha? Yes, Changsha. Changsha. Okay, yes, okay, okay. Bhai wah, maza aa gaya, sach keh raha hu. Aur public bhi helping nature wali hai, matlab achhi hai. कुल मिल जाती है. ऐसा नहीं कि रेसिज्म है इंडियंस के लिए या फिर कुछ अलग क्रिटिसिज्म है, ऐसा कुछ नहीं. हम सोचते ना कि चाइनीज पीपल इंडियंस को क्या कैसे ट्रीट करती है. भाई फिलहाल एज ऑफ नाउ, आज जितने भी दिन हुए, हालांकि ये मेरा पहला शहर ही है चाइना, और शहर घूमूंगा तो पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि भाई पब्लिक अच्छी है, पब्लिक का व्यवहार अच्छा है इंडियंस के लिए. वैसे ये दमेशा लिखा हुआ है जिसमें से एस और ए गिर गया है, फिर भी कोई बात नहीं, पब्लिक मौज में है. From India. You know Mumbai city, Mumbai? Yeah, of course, the biggest city in India, yeah. You speak very good English, by the way. Yeah, thank you, you too. Yeah, so your English is your official language, your first language? No, first language, Hindi. Okay, but Hindu. English is official language. No, Hindi is official language in India. In your school, you also teach English? Yeah, in school, of course, English also. Since primary? Since primary English is also like normal important language. So are you a teacher or like? Yeah, I'm a teacher. That's why. That's why I thought that you are asking such questions. You live in Shenzhen? No, I live in Ningbo city, close to Shanghai. Near to Shanghai. Yeah. Are you traveling alone? Yeah, traveling alone. Okay. I came from Hong Kong, then I'll cover China. Why you want travel alone? Why you don't find a partner to travel? Do you have a wife? Yeah. Why don't you travel with your wife? Sometimes I travel with my wife, sometimes I travel solo. How many wives you have? One? How many wife? How old are you? You look quite young. My age? What do you think? Can you guess? Like? 18. What 18? 18 is very less. I'm 29. Wow, can you get married? Yeah, that's why I got married. Okay.
you know, like in China, in Shenzhen, sometimes people won't get married until even like 40s. Oh. Girls, even like 30. For me, I get married at over 30. Oh, after 30 only people used to marry in China? In big cities. In big cities. Yeah, in the countryside, normally they get married in the 20s. अच्छा गांव में 20 साल की उम्र के आसपास शादी कर देते एंड शहर सिटीज में 30s के ऊपर ही शादी करते लोग. अच्छा मोहतरमा की इंग्लिश बहुत सही लगी मेरे को. इन्होंने कहा कि मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में और ये शंघाई रहती है और आए हैं यहाँ पे इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू राइट टू इंटरव्यू राइट. हाँ इंटरव्यू देने आई थी स्कूल में, अभी वापस दो दिन बाद चली जाएगी बैक टू शंघाई. तो गाइस बीच घूम के अपन आ गए बैक टू अपने फुतियान क्षेत्र में जहाँ पे वही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बताया था और आस पड़ोस में यू नो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है जो लाइटिंग वगैरह लगती है जैसे अंधेरा होना शुरू होता है. बस वही बात है. यहाँ पे आपको फोन रिपेयर्स की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी जिसमें लगभग सारे टाइप्स के फोन्स आपके रिपेयर हो सकते हैं, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो कि बड़ी प्रॉब्लम हो, सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाती है. और चाइना की सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि जितने लड़के लोग हैं ना उतनी लड़कियाँ भी है कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में. ऐसा नहीं कि ये फील्ड में सिर्फ लड़के हैं, ये फील्ड में सिर्फ लड़कियाँ हैं. लड़कियाँ भी उतना ही रोल प्ले करती है जितना लड़के करते हैं एम्प्लॉय के तौर पे या फिर स्किल्ड वर्कर के तौर पे, क्योंकि वो लोग भी ये चीज़ का क्लासेस लेते ट्रेनिंग लेते. चाहे कोई भी काम यहाँ पे छोटा नहीं होता, मतलब चाहे मेंटेनेंस का काम लो या फिर सर्विस का काम लो, हर फील्ड में यहाँ लड़के लड़कियाँ बराबर का भाग लेती है. वही बात है. अरे ये क्या बात है भाई, कितने क्यूट है ना बच्चे. उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको काफ़ी क्यूट लगा होगा है ना, जिसमें अपन ने मस्त शानदार सा बीच का अनुभव किया, फिर यहाँ आए लोगों से वार्तालाप किया, इतने प्यारे प्यारे लोग मिले है ना जिन्होंने मदद भी की हमारी. बहुत कुछ मज़ा आया, बहुत कुछ अनुभव किया, चाइना को अच्छे से जाना कि पब्लिक भी यहाँ पे कैसी है क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो क्या ही कहना. उम्मीद करता हूँ ऐसे ही बने रहोगे, आने वाले वीडियोज चाइना के और अमेजिंग से मिलेंगे. थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल.